दोस्तों, अगर आप भी रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव को खतरनाक खिलाड़ी मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, T20 विश्व कप में जीत का झंडा गाड़ने के लिए भारतीय टीम ने आपस में एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला खेला और इस रोंगटे खड़े कर देने वाले मैच में सूर्या ने आखिरी ओवर में किया चमत्कार। रोहित और कोहली की इस भिड़ंत में किसने मारी बाजी और हार्दिक ने ऑलराउंडर प्रदर्शन करके कैसे मचाई तबाही, ये सब आपको हम बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या में कौन है खतरनाक खिलाड़ी, इस बात का जवाब हमें नीचे कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मिशन मेलबर्न के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया पहुंच चुका है। टीम इंडिया की पहली चुनौती ही सबसे खतरनाक है, जहां उसे हमारे सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान से भिड़ना है। इस मुकाबले में हेड कोच राहुल द्रविड़ और कप्तान रोहित जीत के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। ऐसे में पर्थ के मैदान पर सभी खिलाड़ियों ने जमकर पसीने बहाए। मैदान में चक्कर लगाने से लेकर नेट में बल्लेबाजी करने तक सभी खिलाड़ियों ने विश्व कप जीतने के लिए अब जान लगानी शुरू कर दी है। कप्तान रोहित इतना प्रैक्टिस के बावजूद भी खुश नहीं थे, फिर उन्होंने सभी खिलाड़ियों को मिलाकर एक इंट्रा स्क्वाड मुकाबला भी खेला। जी हां, तैयारियों को और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए रोहित ने यह फैसला किया। ऑल टीम बनाई गई, एक तरफ कप्तान रोहित की टीम थी तो दूसरी तरफ से कप्तान विराट कोहली थे। दोस्तों, जब सिक्का उछाला गया तो गिरा कप्तान कोहली के पक्ष में। उन्होंने तुरंत ही बल्लेबाजी करने का फैसला किया। उनकी तरफ से ओपनिंग करने आए विराट कोहली और KL राहुल। भारतीय खिलाड़ियों का ये इंट्रा स्क्वाड मुकाबला बहुत ही मजेदार और रोमांचक होने वाला था। रोहित ने पहला ओवर डालने के लिए गेंद दे दी भुवनेश्वर कुमार को, लेकिन विराट को रोकना भुवनेश्वर कुमार के लिए आसान नहीं होने वाला था। जिसका डर था वही हुआ। पहले ही ओवर में कोहली ने 3 चौके लगाकर अपनी पारी का आगाज किया। जी हां, जिस तरीके से विराट ने ताबड़तोड़ 3 चौके लगाए, उसको देखकर यह साफ पता चल गया कि इस मैच में उनका तूफान आने वाला है। लेकिन इसी ओवर में आखिरी गेंद पर भारत के उप कप्तान KL राहुल मैच में कैच आउट हो गए। जी हां, भुवनेश्वर कुमार ने आपको बता दें कि बढ़िया गेंद डाली और उन्हें अपने जाल में फंसा लिया और पहले ही ओवर में 14 रन बनाने के बावजूद कोहली की टीम को पहला झटका लग चुका था और भुवनेश्वर कुमार ने वो काम किया जिसके लिए रोहित शर्मा ने उन्हें पहला ओवर दिया था। अब विराट कोहली का साथ निभाने मैदान पर उतर चुके थे ऋषभ पंत। इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रोहित के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। जी हां, जो भी गेंदबाज गेंदबाजी करने के लिए आता ऋषभ पंत और विराट कोहली ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके उनकी धज्जियां उड़ा दी। आपको बता दें कि विराट कोहली की टीम ने 12 ओवर में 130 रन बना लिए थे, जहां कोहली ने तूफानी अंदाज में अपने अर्धशतक को अंजाम दिया और वहीं विराट कोहली ने केवल 36 गेंदों में ही 70 रन बना लिए। वहीं दूसरी तरफ ऋषभ पंत ने भी धाकड़ बल्लेबाजी की। उन्होंने केवल 20 गेंदों में 44 रन की पारी खेली और जिस तरीके से ये दोनों बल्लेबाज बल्लेबाजी कर रहे थे, उसे देखकर कप्तान रोहित भी खुश हो रहे थे, लेकिन वो चिंता में भी थे कि इन्हें आउट कैसे करें। फिर उन्होंने गेंद दे दी हार्दिक पांड्या को और इस ऑलराउंडर ने एक ही ओवर में 2 विकेट लेकर पूरा का पूरा मुकाबला पलट दिया। विराट कोहली और ऋषभ पंत दोनों ही पवेलियन लौट गए और पंत ने 23 गेंदों का सामना करके 48 रन बनाए। अब विराट की तरफ से बल्लेबाजी करने के लिए दीपक हुड्डा और अक्षर पटेल और इन दोनों ही बल्लेबाजों ने आखिर में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके अपनी टीम को 200 रनों के पार पहुंचा दिया। अब विराट कोहली की टीम ने रोहित के सामने 210 रनों का विशालकाय स्कोर खड़ा कर दिया। दोस्तों, अब रोहित की टीम को जीत के लिए 210 रन बनाने थे। ऐसे में कप्तान रोहित के साथ ओपनिंग करने उतरे सूर्य कुमार यादव। जी हां, सूर्य इस वक्त अपनी तूफानी फॉर्म में है और उसी अंदाज में उन्होंने बल्लेबाजी करनी शुरू कर दी। जहां गेंदबाजी करने आए उमरान मलिक के पहले ही ओवर में उन्होंने 2 चौके और 1 छक्का भी लगा दिया और इस बात को साफ कर दिया कि भले ही 210 रनों का लक्ष्य मिला हो, लेकिन रोहित की टीम उसे हासिल करेगी। फिर क्या था, पहले ही पावर प्ले में इन दोनों ही बल्लेबाजों ने रनों का अंबार लगा दिया, जहां कप्तान रोहित ने केवल 15 गेंदों में ही ताबड़तोड़ 30 रन बना डाले तो वहीं सूर्या ने भी 21 गेंदों में 44 रन ठोक डाले थे। और तभी आता है मैच पलटने वाला अर्शदीप सिंह। जी हां, आते ही कप्तान रोहित शर्मा को पवेलियन की राह दिखा दी, लेकिन अब मैदान पर उतर चुके थे दिनेश कार्तिक और मैदान पर आतिशबाजी शुरू हो गई। जी हां, इन दोनों ही बल्लेबाजों ने गेंदबाजों की बखिया उधेड़नी शुरू कर दी और देखते ही देखते दोनों ही बल्लेबाजों ने अपनी टीम को जीत की दहलीज पर लाकर खड़ा कर दिया। जहां दिनेश कार्तिक ने तूफानी बल्लेबाजी करते हुए 70 रन बना डाले तो सूर्य कुमार यादव भी अपने शतक के बहुत करीब आ गए। लेकिन यहां आता है कहानी में ट्विस्ट। विराट कोहली ने नई चाल चली और उन्होंने गेंद दे दी हर्षल पटेल को। जी हां,
आपको बता दें कि जो गेंदबाज सबसे ज्यादा पिट रहा था, विराट कोहली ने उसी को गेंदबाजी करने के लिए बुला लिया और हर्षल पटेल ने आते ही कर दिया चमत्कार और खतरनाक रूप में बल्लेबाजी कर रहे दिनेश कार्तिक को पवेलियन की राह दिखा दी। जी हाँ, कार्तिक के आउट होते ही रोहित की टीम को आखिरी ओवर में 20 रनों की जरूरत थी और अब स्ट्राइक पर बल्लेबाजी कर रहे थे रविचंद्रन अश्विन। सूर्या उनके पास गए और बोले कि आप हमें स्ट्राइक दे दीजिए और अश्विन ने ठीक वैसा ही किया। अब स्ट्राइक पर सूर्य कुमार यादव आ गए और 5 गेंदों में 19 रनों की जरूरत थी। सामने गेंदबाजी कर रहे थे उमरान मलिक। पहली गेंद पर सूर्या ने विकेट के पीछे एक बहुत ही खतरनाक छक्का लगा दिया जिसे देखकर कोहली के भी होश उड़ गए, लेकिन अगली गेंद पर एक भी रन नहीं बन पाया और तीसरी गेंद पर केवल 2 ही रन बना और अब जीत असंभव लगने लगी थी क्योंकि 2 गेंदों में 11 रनों की जरूरत थी। पर सूर्या तो कुछ और ही ठान कर आए थे। उन्होंने अगली 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर रोहित की टीम को एक सांस रोक देने वाले मुकाबले में आखिरकार जीत दिला ही दी। तो दोस्तों, रोहित की टीम की जीत को आप 10 में से कितने नंबर देंगे, इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसे ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को। धन्यवाद।